बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं क्लास आप सब लोग? मैं हूँ आप लोगों की साइंस की टीचर। और फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस के बारे में। देखें, साइंस के बारे में आप सब लोग तो जानते होंगे साइंस क्या है। जाहिर सी बात है, आप ग्रेड 7 तक साइंस पढ़ते आए हैं, आपको पता है साइंस क्या चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन हम थोड़ा सा ओवरव्यू पहले अपना साइंस का लेते हैं। साइंस क्या है? साइंस बेसिकली कोई चीज़ नहीं है, बस एक स्टडी का फिनोमिना है, टेक्निक है, जिसके थ्रू हम लोग अपनी लाइफ को ईजी कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी बुक का टाइटल है जनरल साइंस, ठीक है ना। जनरल साइंस में क्या चीज़ है? डेफिनेटली आप लोगों को पता है, आप लोगों ने आगे से ग्रेड 9 ग्रेड 10 में जाना है, हायर स्टडीज़ में जाना है। तो जनरल साइंस मतलब जनरल आप लोग कहते हो जो आम रेगुलर चीज़ हो रही होती है, ठीक है ना। जनरल साइंस से मुराद इसमें आप लोगों को साइंस के हर वो चैप्टर मिलेगा, हर वो चीज़ मिलेगी जो उसकी डिफरेंट ब्रांचेस से रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों ने अपने बड़े बहन भाइयों से या आसपास से किसी फैलो से सुना होगा, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी है, ठीक है ना। ये सारी की सारी साइंस की ब्रांचेज हैं, ठीक है। आप लोग साइंस में, आप जनरल साइंस है, आप लोगों ने ये बुक पढ़नी है, ठीक है ना। आप लोगों को इसी बुक से इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, आगे जाके आप लोग साइंस रख सकते हैं, आगे जाके आप लोग आर्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस चीज़ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए बहुत बेसिक चीज़ है, एक साइंस को पढ़ने के लिए, बेसिकली जनरल साइंस को पढ़ने के लिए आप लोगों को पता चल जाए आप लोगों ने आगे करना क्या, ठीक है ना। नाउ साइंस का आप लोगों को पता चल गया, साइंस बेसिकली कुछ भी नहीं है। साइंस बस एक स्टडी की टेक्निक है, या हम लोग कह सकते हैं बल्कि ये स्टडी की भी नहीं, प्रैक्टिकली ये टेक्निक है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है हम थ्योरेटिकली वो चीज़ पढ़ते हैं जो हमारी थ्योरी से रिलेटेड होती है, जिसमें हमने लिखना है, बस रट्टा लगाना है और पास होना है, ठीक है ना। लेकिन साइंस वो चीज़ है जिसको समझना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जैसे आप लोगों को पता है, पहले हम लोग फैंस, सिंपल फ़ैन, हम ये हाथ से पंखी जल जाती थी, उसको साइंसदानों ने आसान किया, आप लोगों के लिए फ़ैन्स आ गए। पहले आप लोगों के घरों में हाथ से कपड़े धोए जाते थे, फिर एक दौर आया जिसमें वॉशिंग मशीन्स आ गए, ठीक है ना। अब आज का वो दौर है कि जिसमें आप लोगों के पास क्या चीज़ है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स है, आप लोगों को उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये सारी की सारी साइंस की इम्प्लीमेंट्स हैं, ये साइंस ने इन्वेंशंस की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि और ऐसी कौन सी चीज़ है जो साइंस है, हम लोग बोलें कि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, इसका तो डेली बेसिस पे कोई यूज़ ही नहीं। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, साइंस का डेली बेसिस पे हर जगह से यूज़ है। आपके घर की टंकी से लेके जो पानी वाली टंकी होती है, वाशरूम में जो पानी आता है, उस पर भी साइंस इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है ना। आपकी बॉडी, जो आप लोग खाना खाते हो, खाना खा कर जो डाइजेस्ट करते हो, वो भी आप लोगों का क्या है कि वो साइंस उसमें इम्प्लीमेंट होती है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत साल पहले हमें अल्लाह ताला ने बता दी हुई हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को हमारे, ताकि इनका प्रोसेसेस कैसे होता है, ये सारे के सारी इम्प्लीमेंट चीज़ें किस तरह होती है, ये हम लोगों को साइंसेस बताती हैं, ठीक है ना। होप सो आप लोगों को साइंस की समझ आ गई होगी। अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।